अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, तो आज की वीडियो जी कबूतर बाहर निकाले हुए थे तो मैं नीचे चला गया था, ये सारे फिर रहे हैं ठीक है। तो माशाल्लाह शो करें जी ठीक है। आज कबूतर सुबह भी उड़ाए थे मैंने ठीक है, वो दो भाई, ये बैठा हुआ है ये वाला, ये तकरीबन 3-3.5 घंटे लगा के बैठा है ये वाला, ये माशाल्लाह। तो बाकी बच्चे भी हैं जी, सारे फिट हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ठीक है। तो इस तरफ भी माशाल्लाह ब्रीड बहुत अच्छी जा रही है, बहुत अच्छी, हमारा जंगली जोड़ा भी लग गया हुआ है। तो बाकी जी इनको फिर आज एक तो नया बच्चा भी अंदर छोड़ा है ठीक है, उसकी अपडेट मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ये देखे जी चपड़ा माशाल्लाह जी, उधर सोलर पे बैठा हुआ था, तो ये फाइनली पट्टी बनी है माशाल्लाह, बड़ी प्यारी नीचे आ गई है। ये देखें ऊपर नीचे हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह खुद ही, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें ये भी नया बच्चा जी ठीक है। तो एक दफ़ा इनको जी ज़रा हल्का सा टच देते हैं, ये लें जी चपड़ा वो जाके बैठ गया ऊपर ठीक है, उसके भी पर नहीं पूरे। बाकी जी हमने ज़रा इनको छेड़ लगाई है थोड़ी सी, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये टैडी है जी, ये टैडी बैठा है माशाल्लाह। बाकी वो जो सुबह उड़ाया था वो फिर उड़ गया, वो जा रहा है, ये कितनी दूर चला गया, चमकार में भी लग गया जाके, ये जूम कम करूँगा नज़र नहीं आएगा। तो बाकी जी शो करें जी माशाल्लाह, परिंदे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए ठीक है, उड़ना स्टार्ट कर दिया। ये चपड़ा भी फाइनली वापस नीचे बैठ गया, हल्का सा इनको ना फिर एक दफ़ा छेड़ लगाते हैं इनकी। तो बाकी जी वो पट्ठा फिर ऊपर लग गया जाके माशाल्लाह, बड़ा एक्टिव पट्ठा है जी, ये देखें ऊपर बैठना शुरू हो गए। तो इनको एक दफ़ा जी पल्ला देते हैं फिर, ये लें जी नए बच्चे भी सारे उड़ा दिए हैं ठीक है। पता नहीं कितने उड़े हैं, कितनी नहीं, जंगली भी मेरे ख्याल में उड़ गई ये पट्टी। वो पीछे की तरफ एक बच्चा जाके बैठ गया, वो देखिए सारे बच्चे इधर उधर बैठना शुरू हो गए हैं। ओह पता नहीं, अब देखते हैं कितने ज़ाया होते हैं, पर उड़ा दिए हैं जी सारे बच्चे उड़ा दिए हैं। दो तो ये हैं, नई पट्टी भी मेरे ख्याल में उड़ी है कि नहीं, वो देखें एक ये है, ये भी नया बच्चा है ठीक है। तकरीबन हाँ ग्रीस साफ करके ना पहली दफ़ा हो रहा है, एक वो सामने बैठ गया, ये देखें ये छत के ऊपर, एक ये आ रहा है, एक पीछे पीछे की तरफ चला गया हुआ है, वो देखें ये एक ये है। अभी जिनका इसी तरह ही सांस पक्का होना है, एक बच्चा हमारा नया जोन से ना वो पीछे की तरफ चला गया, तो अब इनको डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट करेंगे ताकि वो सारे पूरे हो जाएं घर ठीक है। एक ये नीचे आके बैठ गया, एक वो ऊपर है, एक वो सामने है, दो तीन अभी उड़े हैं, एक ये है जैसे। तो ये छोटी सी वीडियो थी ठीक है, बच्चे हिलाने की, इसी वक्त हिलते हैं सुबह के टाइम जी, ये आसमान चले जाते हैं नए बच्चे जितने भी होते हैं, तो सांस पक्के इसी टाइम होते हैं इनके। ये देखें ये भी बड़ा अच्छा, ये भी खुल गया हुआ है, उस दिन बाहर निकाला था ना माशाल्लाह, ये भी खुल गया हुआ है। तो इंशाल्लाह बड़ा ही अच्छा उड़ेगा ये वाला, सियालकोटी है। तो सुबह के टाइम जिसको खोला था ना, ये वो है जी ये। तो मैं ज़्यादा इनको एक ये आ गया, ये बैठ गया जी, ये ऊपर बैठ के चले, टेंशन खत्म। वो सियालकोटी बुरी आदत, वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं। चले एक ये है जी, ये ओहो माशाल्लाह, ये भी आ गया जी, ये भी नया बच्चा हमने काटा था माशाल्लाह माशाल्लाह। चले जी वेल एंड गुड हो गया, सारे बच्चे पूरे हो गए, अब इनको घर का पता लग गया ठीक है, अब टेंशन नहीं है जी ठीक है। अब ये फिर टूरेंगे ज़रा ऊपर नीचे होंगे, तो इंशाल्लाह इंजॉय करेंगे। बाकी दो हमारे उड़े हैं अभी, तो दाने पानी का टाइम हुआ है। दाने पानी का जी एक सीक्रेट
नुस्खा है जी, आजकल लोगों में ना बीमारी बहुत ज़्यादा आ रही है। मैंने इनको पानी में देखे जी एक चीज़ मिला के दी हुई है, अभी इनको ज़रा पानी रखता हूँ बाहर। आ ये 35 वाली उड़ गई है, चले बैठ जाती है। ये पानी रखा है पानी में जी, ये पानी ग्रीन ग्रीन कलर के, इसमें मैं मल्टीविटामिन लाजमी डालता हूँ हफ्ते में 2-3 दफ़ा, जब मेरा मतलब 2 दफ़ा तो कंफर्म है, 3 दफ़ा जब ज़्यादा टाइम मिले। पानी डाला इनको मैंने, ठीक है। तो मल्टीविटामिन देने के फ़ायदे ये है जी दोस्तों, कबूतर आपके हेल्थी रहते हैं, क्रीज़ में हैं तो वो बिल्कुल अपना फिट रहते हैं, ठीक है। दाना हज़म करते हैं और जिसामत बना लेते हैं। तो ये थी जी सारी अपडेट, देखे मुर्गी भी हमारी पानी पीने लग गई है। बाकी ये घूमेंगे फिरेंगे इंशाल्लाह। तो सुबह के घूम रहे हैं तकरीबन 3 घंटे हो गए, इनको बाहर निकाला होगा, ठीक है। वो देखें जी, वो सामने मोरा सियालकोट ही जाके बैठ गया। ये देखिए ये पट्ठा माशाल्लाह बड़ा ही अच्छा है, पर इसे एक बुरी आदत लग गई हुई है ना, लत लग गई हुई है वहाँ पे जाके बैठने की। तो ये इसकी आदत ख़त्म करनी है। ये जो हमारा जी अंधा बच्चा था ना, वो ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा बन गया हुआ है। ये माशाल्लाह फिर रहा है, ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं कितना बड़ा कबूतर है। ये देखें, ये अंधा है जी, मतलब एक आँख से, माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा, बहुत प्यारा। तो इंशाल्लाह जी ये उड़ेंगे भी इंशाल्लाह, क्योंकि इसके और बहन भाई मैंने उड़ाने के लिए छोड़े, जैसा कि ये है, ठीक है। तो इंशाल्लाह जी ये भी बहुत अच्छा उड़ेगा, परफॉर्म करेगा। तो अभी ये देखे ना घूम रहे हैं सारे। तो इसी तरह जी छत पे पक्के होने हैं इनको, अगर ज़्यादा डंडे मारे तो फिर इनके ज़ाया होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि क्रीज़ में भी हैं, आखिरी पर भी निकाल रहे हैं और ये कच्चे भी हैं अभी अंदर से ना। ये देखे ना, फूल सांस फूल जाता है इनका। तो ये थी जी छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। एक बटा हमारा फिर वो सामान बंद होने के ऊपर लग गया जाके, वो लग गया हुआ है जिसको जो सुबह 3-3.5 घंटे लगा के आया, उसे बंद कर देना चाहिए था। मैं कह रहा था कि अभी सांस पक है। इसी का भाई है जी, ये देखें इसी का भाई है, ये इसके हालात देखें, मुँह खोल के बैठ गया, कभी उड़े जो नहीं है जी। तो बाकी जी इनके सांस पके करने के लिए गर्म पानी भी शेयर करूँगा ताकि ये फिट हो जाए, मतलब कि भाई मुंह ना खोलें, वो भी आपसे शेयर करूँगा इंशाल्लाह जल्दी। तो अभी जी वो पट्ठे को बिठाते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना डेट से ख्याल रखिएगा, और मल्टीविटामिन भी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि क्या देना चाहिए इनको।